क्योंकि कल मैच में 135,000 लोग अंदर थे. इट्स नॉट अहमदाबाद के लिए ये अच्छा वो नहीं है, बैड एडवर्टीजमेंट. जो 30-35,000 लोग बाहर घूम रहे थे, मेरे लगा फैंस हैं. मेरे करीब राहुल रावत का फोन मोबाइल उनकी जेब से 30 सेकंड्स के अंदर निकाला गया. 30 सेकंड्स. और उर्वशी रौतेला ने आज लिखा है, एक हमारी और क्रिकेट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ईशान यादव, वो बता रही है उनका भी मोबाइल कि उन्होंने अपना 24 कैरेट असली सोने का आईफोन जो है वो गवा दिया है. अंदाजा लगाइए, इतने लोगों ने वहां पे कंप्लेंट की, किसी का पर्स, किसी की, किसी का फोन. आई नो लॉ एंड ऑर्डर, ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है, बट चोरियां यार, मतलब लोगों को भी समझना चाहिए. लोग मतलब अपने मौका बना रखा है आज की भैया. तो आपको बता दिया जाए, कल मोबाइल फोन्स भारी मात्रा में चोरी हुए हैं. और रिपोर्ट्स के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है कि 100 से भी ज्यादा मोबाइल फोन्स कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चोरी हुए हैं. कि उन्होंने अपना 24 कैरेट असली सोने का आईफोन जो है वो गवा दिया है. सामने ग्राम, दो दिन पहले पाकिस्तान वर्सेज इंडिया मैच तो अहमदाबाद में हुआ, लेकिन वो जो कंट्रोवर्सीज उसमें हुई वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे. पाकिस्तान बुरे तरीके से ये मैच हारा तो जरूर, लेकिन जो बकवास वहां पर बैठे क्राउड ने पाकिस्तान के बारे में की और कलेक्टिव की, उसकी तो तरह तरह की जस्टिफिकेशन भारत का मीडिया या उनके सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं. माफी भी मांगी जा रही है, सॉरी पाकिस्तान का ट्रेंड भी चलाया गया. लेकिन एक और बड़ी बात जो निकल कर सामने आई, उसने इंतहा पसंद उन हिंदुओं को बिल्कुल बेनकाब करके रख दिया है जो कि पाकिस्तान के बारे में बकवास कर रहे थे, क्योंकि वो दरअसल में कोई क्रिकेट शायक नहीं, मोबाइल और पर्स चोर थे. यानी जिन्हें आप उर्फ आम में जेब कतरे कहते हैं, वो थे वो सारे. ये बात अगर कोई पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट करता तो भारतीय उस पर इल्जाम भी लगा सकते थे कि गैर जानबदार है. लेकिन विक्रांत गुप्ता जैसे सीनियर तरीन भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो कि खुद ग्राउंड के बाहर मौजूद थे, कवरेज कर रहे थे, उन्होंने तो 35,000 जो लोग बाहर मौजूद थे या जो मैच के बाद बाहर आए थे उन्हें तक चोर करार दे दिया है. और ये भी कहा है कि ये कोई अच्छा मैसेज दुनिया को नहीं गया. उनके जो अपने साथी एंकर उनके साथ मौजूद थे, उनका भी सिर्फ 15 सेकंड के अंदर अंदर विक्रांत गुप्ता से फोन पर बात करने के बाद मोबाइल जेब से किसी ने उड़ा दिया. अब आप अंदाजा लगाइए कि वो जो जय श्री राम या इस तरह के नारे लगा रहे थे उनके भी नारे हैं, इसके अलावा जो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रहे थे वो तो बिल्कुल ही नाजायज था. इस सारे मामले पर इन्हें एजुकेट होने की जरूरत है या नहीं, या फिर सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन थी, उस बात का आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं. और उर्वशी रौतेला जो कि भारत की बॉलीवुड की एक जानी मानी शख्सियत है, जो कि VIP लाउंज में बैठी हुई थी, उनका 24 कैरेट सोने का आईफोन चोरी हो गया. आप अंदाजा लगाइए कि क्या हालात हैं वहां के, कि हजारों की तादाद में लोगों के पर्स और बटुए चोरी हुए और 35,000 के 35,000 को विक्रांत गुप्ता चोर करार दे रहे हैं. और ये बता रहे हैं कि कौन सा मैसेज तुम दुनिया को दे रहे हो कि दुनिया यहाँ पर मैच देखने आती है और तुम उनकी चोरियां करते हो, और साथ ही साथ नारेबाजियां भी ऐसी. बहरहाल विक्रांत गुप्ता की आप जुबानी आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ हुआ वहां पर, फिर आपको अंदाजा खुद ही हो जाएगा कि हमारे पड़ोसियों के हालात क्या हैं. और उनके मुंह से बातें सुने तो आप ऐसे लगता है कि जैसे दुनिया की सबसे मुहज्जब कौम तो यही है. एक बस मैं एक बात एक अपील करनी चाहता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि कल मैच में 135,000 लोग अंदर थे, और ये अफगानिस्तान के लिए, इट्स नॉट अहमदाबाद के लिए, ये अच्छा वो नहीं है, बैड एडवर्टीजमेंट. जो 30-35,000 लोग बाहर घूम रहे थे, मेरे लगा फैंस हैं. मेरे करीब राहुल रावत का फोन मोबाइल उनकी जेब से 30 सेकंड्स के अंदर निकाला गया. 30 सेकंड्स. और उर्वशी रौतेला ने आज लिखा है, एक हमारी और क्रिकेट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ईशान यादव, वो बता रही है उनका भी मोबाइल. काफी लोग ऐसे हैं जो मैंने उनको फोन किया है 1:47 पर, जब हमारा आज तक का शो खत्म हुआ. राहुल आप कहाँ हो? तो राहुल मेरे से कितनी दूर थे? 20 कदम. अच्छा. और भीड़ में मैं नहीं पता, तो राहुल ने कहा मैं यही हूँ. तो जो उनके साथ कैमरा पर्सन थे, ऐसे अपना कैमरा ओपन किया, मैं मानू तुम देख, आ गया. और मैं ऐसे बस चल के गया हूँ. चलने में कितनी देर लगती है? 15 सेकंड. चलो कौन से गेट नंबर, ये बात हो रही है यार, हमने अंदर कौन से गेट नंबर से जाना है? राहुल का 3 नंबर से जाना है. अच्छा, 1 मिनट हमारी बात हुई है और हम चलने लगे. राहुल का उसे अभी बात हुई थी, मतलब अंदाजा लगाइए, इतने लोगों ने वहां पे कंप्लेंट की, किसी का पर्स, किसी की, किसी का फोन. आई नो लॉ एंड ऑर्डर, ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है, बट चोरियां यार, मतलब लोगों को भी समझना चाहिए. लोग मतलब अपने मौका बना रखा है आज की भैया. तो लोग समझेंगे ना कि यार आप अपने क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, जो लोग आ रहे हैं वहां पर ये सब काम करने के लिए. यार बाहर से लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं. और मैच एंजॉय करने ही आता है कि आदमी टेंशन नहीं रहेगा कि ताली बजाऊंगा पता चला पर्स निकल गया. आज के डेट में यार आपका मतलब सब कुछ ही फोन है क्या, मतलब नहीं है फोन में, मतलब बाकी फोन पर्स सब कुछ यार, किसी के क्या जरूरत है? बैंक अकाउंट से लेकर एक एक चीज यहीं पर है, जरूरी डॉक्यूमेंट फोन में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज. और यार इम्पोर्टेंट नहीं कुछ भी है, कुछ भी और ना इम्पोर्टेंट होता है, अपनी चीज है यार. ऐसा लग रहा है कि आप वहां चोरी थोड़ी कर दो, धड़ल्ले से चोरी हुई है फोन, धड़ल्ले से, मतलब भीड़ का पूरा फायदा. मयंक जी, जो लोग बोल रहे थे इंडिया अपनी फेवर में पिचेस बना रहे हैं, कल हारने के बाद अब चुप हो गए. इंडिया लास्ट 3 ओडीआई वर्ल्ड कप
उसमें सिर्फ चार मैच हारा है बिल्कुल यार। बस वहाँ पे उसका कोई रिप्लाई आया उधर से कि कुछ लोगों के मिले नहीं मिले कुछ एक्शन कहाँ मिल रहा है कुछ एक्शन एक्शन अगर इतनी भारी मात्रा में नहीं बात गई खत्म फोन कहाँ मिल रहा है यार भारी मात्रा में जा रहे हैं एक्शन नहीं हो सकता पृथ्वी जी कह रही है स्टोरीज परफॉर्मेंस प्रूव्स वन पॉइंट दैट बुमराह इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर। ग्राउंड में अगर आप 1,35,000 लोग होंगे ना यार ये कुदरती ही है शरारती तत्व आपको मिलेंगे इधर भी और उधर भी। और मैं मानता हूं कि प्लेयर्स को कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं किया जा सकता नहीं करना चाहिए इट्स अ फैक्ट बट यार जो कल हुआ वो भी गलत था आप क्यों लेकर आते मतलब न्यूज चीज का कुछ मैं दोनों तरफ कह रहा हूं गलत है जो कल हुआ वो भी गलत था लेकिन जो परसों वो भी गलत था बिल्कुल आप उसको लेवल प्लेइंग फील्ड बनाओ यार सर लेकिन श्रद्धा से अगर जैसे राम बोल रहे तो गलत तो नहीं हुआ ऐसा मतलब उसमें ये है ना कि जा रहे हैं तो कितनों को रोकेंगे फिर वो भी बात है चिड़ाने के नहीं है देखिए समझ आपकी हाँ मतलब इतने लोग जो मैच देखने गया होगा वो मतलब टिकट 10 रुपए की तो मिलती नहीं और जो वो स्टैंड होगा अगर वो टनल के आसपास होगा तो पैसे वाला बंदा होगा तो ये आपकी पढ़े लिखे इंसान की सोच होनी चाहिए और मेरा मानना है हमारे मुल्क में हिंदुस्तान में सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। बीती शाम को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होता है इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला लेकिन जब से ये मुकाबला खत्म हुआ है ये मुकाबला सिर्फ और सिर्फ अलग अलग कॉन्ट्रोवर्सीज के घेरे में आ रहा है। इसके अंदर सबसे बड़ी गौरतलब बात तो यह है कि जितनी भी तमाम कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, इन सभी कॉन्ट्रोवर्सीज का क्रिकेट से दूर दूर तक बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। जब पाकिस्तान ये मुकाबले को बिल्कुल बोरिंग करके हार गया इंडिया ने इस मुकाबले को जीत लिया तो उसके बाद सबसे पहली और बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी सामने निकल कर आती है जब भारतीय क्रिकेट फैंस ने मोहम्मद रिजवान को देखते हुए जय श्री राम के नारे लगाए और इस किस्से को लेकर फैंस दो टुक हो गए हैं। कई लोग इससे सहमत हैं जबकि कई लोग इसके खिलाफ हैं। अब आपको बताते हैं इस मुकाबले से जुड़ी एक और नई और बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में जहां इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के मैच में चोरी हुई है। अब आपका सवाल होगा भाई अगर चोरी हुई है तो चोरी हुआ क्या है तो आपको बता दिया जाए कल मोबाइल फोन्स भारी मात्रा में चोरी हुए हैं और रिपोर्ट्स के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है कि 100 से भी ज्यादा मोबाइल फोन्स कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चोरी हुए हैं और 100 से भी ज्यादा मोबाइल फोन चोरी होने में जो नंबर सबसे ज्यादा सामने आ रहा है वो आईफोन मोबाइल का सामने आ रहा है जहां पर एप्पल के आईफोन्स के ऊपर चोरों की एक स्पेशल निगरानी थी। अब जिन लोगों के आईफोन चोरी हुए हैं उसके अंदर एक नाम सामने आ रहा है बॉलीवुड की अभिनेत्री उर्वशी रौटेला का जिसके बारे में उर्वशी रौटेला ने जानकारी दी है अपने ट्विटर हैंडल के जरिए। उन्होंने ट्वीट किया ट्वीट साथ में उन्होंने पुलिस की कंप्लेंट को भी अटैच किया है और साथ में लिखा भी है कि उन्होंने अपना 24 कैरेट असली सोने का आईफोन जो है वो गवा दिया है अगर कोई उस आईफोन को देखे तो उनकी टीम को जल्दी से जल्दी संपर्क करने की कोशिश करे। अब ये किस्सा सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में नहीं हुआ है जब इससे पहले आईपीएल का फाइनल इसी मैदान पर खेला गया था उसके बाद भी काफी लोगों ने इस बात की शिकायत की थी कि उनका मोबाइल फोन चोरी हुआ। अब अगला सवाल यह है कि अगर मोबाइल फोन चोरी हुआ तो चोरी आखिरकार हुआ कब था यह मोबाइल फोन तो इसके बारे में भी एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया और यह ट्वीट इस समय ट्विटर पर काफी ज्यादा वायरल होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर आप यहां पर देखें तो इन्होंने अपने ट्वीट के अंदर गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन बीसीसीआई आईसीसी अहमदाबाद पुलिस गुजरात पुलिस साथ ही में चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी जय शाह अमित शाह इन सभी बड़ी हस्तियों को भी टैग करते हुए लिखा है कि उन्होंने आज अपना आईफोन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के गेट नंबर 1 के बाहर गवाया किसी ने उसके बैग में से जो है आईफोन को चोरी कर लिया था। अब इन्होंने साथ में यह भी लिखा है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि इसके साथ में 100 से भी ज्यादा और लोगों ने अपने मोबाइल फोन को गवाया है।